I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.com. वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रही थी कि माई और मेहंदी के बगैर भी कोई शादी होती है, इसलिए मैं खुद तैयार होकर आ गई हूँ। अगर तुम्हारी चॉइस बहुत आला होती ना तो शायद मैं जलती, मगर तुम्हारी चॉइस इतनी चीप है कि मैं सिर्फ तर्स खा सकती हूँ तुम पर। भाई जरीना, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, हम बिरादरी में अपने जहेज को जरूर दिखाते हैं। अच्छा, ऐलान करके? हाँ भाई, क्यों नहीं करे अपनी रसम, सब अपनी ख्वाहिशें पूरी करे। ये भी कुछ कह रही थी। हाँ, अब मैं ये कह रही थी कि ये डायमंड का सेट है मेरी तरफ से, पूरे 25 लाख का है, अगर आपको ठीक लगे तो ये भी अनाउंस कर दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मेरी बेटी को मिल रहा है, मैं तो जरूर बताऊंगी लोगों को। वाओ भाई, जबरदस्त। अटेंशन प्लीज, सब लोग जरा देख लें प्लीज। हाँ, ये दो सेट और वो दो जोड़े उठाओ, जल्दी से दिखाओ। हाँ, दूसरा भी उठाओ, दूसरा भी उठाओ। ये है दूल्हा की अम्मा के लिए। वाह जी वाह अम्मी, आपके तो मजे हो गए भाई। शर भाई, ये किस तरह की रस्म है? मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ ये। अंकल, ये तो नुमाइश हुई। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सबकी अपनी अपनी रस्में होती हैं, अब तुम बताओगे रस्में कैसे होती हैं। और ये एक सेट गोल्ड का और वो दो जोड़े ये है दूल्हा की बहन के लिए, फरहीन के लिए। ओह थैंक यू। और ये घड़ी और सोने की अंगूठी ये है दूल्हा के अब्बा के लिए, और एक जोड़ा भी है उनके लिए। भाई दादो, ये आपके लिए है गोल्ड के कंगन, और आपके लिए बहुत प्यारा सा जोड़ा। और ये देखें, ये है भाई मन्नू के लिए गोल्ड की घड़ी और एक जोड़ा वहां रखा हुआ है। और भाई दूल्हा की कजन महा के लिए ये एक गोल्ड की रिंग और एक जोड़ा। खुश रहना भाई। भाई ये सारे गिफ्ट्स तो थे हमारी तरफ से, और ये वाला ये देखें, ये दिया है दूल्हा की बहन ने, यानी के दुल्हन की नन ने, डायमंड सेट। 25 लाख बोलना भूल गई। हाँ, पूरे 25 लाख का, माशाल्लाह। वाह भाई जबरदस्त, कैसा लगा आपको है? अच्छे लगे ना आप लोगों को? भैया कोई जरूरत नहीं थी, बस आपने तकल्लुफ किया। अरे ये तो बहुत कम है, जब आप घर पहुंचेंगी तो देखिएगा घर भरा हुआ होगा माशाल्लाह से सामान से। अरे आप आइए ना, तस्वीरें तो बनाएं, देखिए तो सही कितनी प्यारी प्यारी चीजें, और इन सबकी बनाएगा ये देखिए। ओह गॉड, नजर नहीं आ रहा, क्या बात है। हाँ जी, जी मजीद साहब, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। हमारा दिमाग तो ठीक है, जानती नहीं हूं मैं कौन हूं। हम तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन यहां पर बैठे हुए लोग भी आज जान जाएंगे कि आप कौन हैं। मैं आता हूँ। ठीक है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं एक मौजूद शहरी हूँ, समझे ना? आप बताए भाई ने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने जानता हूँ, मजीद साहब मौजूद आदमी है। जी मौजूद का धंधा करते हैं ये, और तो और ये क्लब भी चलाते हैं। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लो हमारे साथ।
अरे मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। इनसे पूछे जरा। रशीदा बहन क्या हो रहा है ये सब? पुलिस, हम शरीफ लोग हैं भाई। हाँ हाँ मुझे पता है हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, समझे? कीमत तो हम अदा कर लेंगे, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा, और अगर सीधी तरीके से नहीं गए तो हमें शायद जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी आपसे। और सारा सामान जब्त कर लो। छोड़ो मुझे। रशीदा फिकर मत करो, आ रहा हूँ अभी। मैं देखती हूँ। अमान साहब जी, अब और क्या देखना बाकी रह गया? मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए। चले चल। चलो सैफी। तुम कुछ खा तो लेती? मैंने खा लिया था मन्नू। वाह, हबड़ जबड़ में क्या खाया होगा भला? कुछ लोग तो बगैर खाना खा ही चले गए। बिल्कुल ठीक कह रही ना तुम। पुलिस को देख के तो कितने लोग भाग ही गए थे। तौबा तौबा, ऐसी जिल्लत, बहुत शर्म की बात है। दादो मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ ऐसा होगा। जब फरी के वलीमे में शेबी के ससुर ने कहा था कि के दुबई में क्लब है। क्या क्लब है? हाँ दुबई में क्लब है उनके। वैसे दादू तौबा है, दो नंबर की कमाई हुई दौलत पर इतना गुरूर है उन्हें। फरी और ताई अम्मी कितना खुश थी जब वो अपने जहेज की नुमाइश करवा रही थी। बेचारों का सब कुछ चला गया। चलो, हराम की कमाई हराम में गई। अच्छा हुआ जो हमारे घर में नहीं आई। फरी को देखा था कैसे रो रही थी। बेचारी सुफियान से कहती है हमारा डायमंड सेट भी चला गया। तो अपने तोहफे को नुमाइश में रखने की जरूरत क्या थी उसे? अच्छा भाई, मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई होगी, मैं तो चलूं, वरना जरीना ताने देती रहेंगी। दादू मैं भी गिफ्ट लेकर आई। क्या? ओ हाँ, मुझे भी तो देना है, चलते हैं। चलो। चलो शेबी, खीर खिलाओ दुल्हन को। बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाओ। माशाल्लाह। चलो फरी, अब जल्दी से भाभी के हाथ से भाई को खीर खिलवाओ। देख लो। नहीं, मैं रहने दे, क्या जरूरत है? ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। चलो नेक लो। कहा है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी दिलवाना है तो 25 लाख दिलवा दो मेरा। आय हाय, देखना जरा, 25 लाख दिल पे लिए बैठे भाई। तुम्हारे ससुराल वालों के लिए 25 लाख की क्या अहमियत? जी दर्द पर उठते हैं ना पैसे। बिशारत, बुलाए ना अम्मा को, मैं रोनुमाई शुरू करूं। मैं नहीं बुला रही, तुम ये रस्म करो और खत्म करो ड्रामा। शायद अंकल को लगता है कि जहेज का सारा सामान उनके पास चले गया है, लेकिन अंकल आप फिक्र मत करें, ना जहेज कहीं जाएगा ना ही मेरे पापा। ये तो किसी पापा की दुश्मन की साजिश थी, लेकिन मेरे पापा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, देखना सब ठीक हो जाएगा। लाहौल, भला मुझे क्या जहेज से मतलब? अरे अम्मा कहाँ रह गई थी आप? मैं यही ख्याल कर लेती दुल्हन की रस्में करनी है। अरे भाई तुम थी तो फिर मेरी क्या जरूरत? अम्मी दादू बिचारी क्या करें, इन्हें माँ को भी तो संभालना है। इतनी अपसेट जो लग रही है बिचारी। क्यों, मैं क्यों होने लगी अपसेट? बल्कि मैं तो शुक्राने के नफिल अदा कर रही थी।
कि अल्लाह ताला ने सच और झूठ को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी जबान बहुत नहीं चलने लगी। जी अम्मी, क्यों नहीं चलेगी? जब बड़ों से शाबाश मिलेगी तो जबान तो चलेगी ना। तुमने फिर शुरू कर दी ये फजूल बहस। तुम करो ना अपनी रस्में। अम्मा, ये शुक्रिया दादी, बहुत अच्छा है। इस तरह की सस्ती घड़ियां तो मेरी मुलाजमा भी नहीं पहनती है। तो फिर ठीक है, वापस दे दीजिए। मैं किसी भी कारण को दे दूंगी, कम से कम वो मुझे दुआ ही दे देगी। दे दो, दे दो। Here you go। तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का खुलूस देखा जाता है। साथ ही हमारे घर में पार्टी बाजी शुरू हो गई। अच्छा, क्या तुमने दे दी? क्या पता जादू करके लाई हो, तुम्हारे दोनों हाथ ही कट जाए। क्या फरी? अच्छा ये देखो भाई, ये मेरी तरफ से। ये देखो। हाँ, ये बहुत प्यारा है ना। This is nice। लाओ दे दो, मैं रख लेता हूँ। ये 25 लाख। मेरा तो माथा उसी वक्त ठनक गया था जब उसने कहा था कि दुबई में मेरे क्लब हैं। बशारत अंकल को शादी से पहले मालूमात तो करानी चाहिए थी, एटलीस्ट फैमिली के रिलेट ही इंक्वायरी करा लेते। बेटा जितना मैंने अंदाजा लगाया है, उनके घर में सिर्फ जरीना की चलती है और उसकी बात के आगे कोई नहीं बोल सकता। कुछ लालची किस्म की खातून है। मेरी बीबी और ससुराल की बुराई करते थकते नहीं है आप लोग। अरे बेटा, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हमारा आप लोग क्या मतलब... बात कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा मेरी बीवी या ससुराल के बारे में कोई बात मत करें। आप लोग की बड़ी मेहरबानी। पहले ये खुद मान नहीं था और अब बीवी और ससुराल। शेबी, वहां को देखा था तुमने? उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो हमें देखकर जल गई है। कैसे नहीं जलेगी, बचपन से मेरे ख्वाब जो देखती आ रही है। हाँ सीरियसली, बुरी तरह फिदा है मुझ पे। और एक बार तो कह रही थी कि शेबी मुझे अपना लो वरना मर जाऊंगी मैं। तो मरी क्यों नहीं अब तक? तुम भी क्या माँ की बातों को लेकर बैठ गई हो? आज हमारी रात है माँ की थोड़ी, आज सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात होगी। शेबी उठो। हाँ? उठो तो। क्यों, क्या हुआ? उठो ना। क्या हुआ? लहंगा खराब हो जाएगा मेरा, ऐसे ही लेट गए। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? इतने महंगे सैलून से तैयार हुई हूँ और तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की। इतनी खूबसूरत लड़की की तारीफ करने के लिए खूबसूरत लफ्ज भी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तुम्हें पता है मीनी, मैं बचपन से ख्वाब देखा करता था कि मेरी किसी हसीन लड़की से शादी हो, और आज देखो मेरे सारे ख्वाब सच हो गए। मैं कितना लकी हूं मिनी कि मुझे तुम मिली। आई लव यू मिनी। आई लव यू टू शेबी। अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। क्यों?
अगर नहीं छोड़ो तो क्या होगा? बाहर आ जाओ तुम। क्या होगा बताओ ना। कुछ नहीं होगा, यह हाथ आपका होगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ अम्मा। अच्छा देख के खोलना। अम्मा अभी तक मुझे बच्चा समझती हैं, देख के ही खोलूंगा। क्या भाई साहब आप इतनी देर में आए कि खड़े खड़े टांगों में भी दर्द होने लग गया था मेरी तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी आप ना जरा वो टैक्सी में से सामान उतरवा लीजिएगा, सारे के सारे सूटकेस। सूटकेस? अरे आप तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे मैं सूटकेस में बम रख के ले आई हूँ। वो वानिया कहाँ है? मैं वानिया से मिल लेती। आप प्लीज वो टैक्सी से सामान उतरवा लीजिएगा और उसे फारिग भी कर दीजिएगा। मुझे देख के वानिया कितनी खुश हो जाएगी। वानिया? ये वानिया की अम्मा इतने साजो सामान के साथ? कोई नई मुसीबत लाई होगी। तुम्हारा संध्यान है, तुम ही जाओ। मैं आता हूँ वो सामान लेकर। जेवर तक तो सारा रख लिया बदबख्तों ने। अगर आपका घर नहीं मिला रशीदा तो अब क्या होगा? बस एक बार वानिया के पापा से बात हो जाए ना तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये कौन सा डिनर प्लान हो रहा है भाई? फैजी ने स्टाइल 360 का कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 साल का। कब हुआ? इसी वीक। और मुझे किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की। बेटा तुम ऑफिस कब आ रहे हो? मैं ऑफिस नहीं आ रहा था, मर थोड़ी गया था।